एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आदेश देना चाहिए कि कलेक्टर और एसपी आम जनता से मिले और उनकी समस्याओं को सुने। सिंगार ने सवाल किया कि क्या कलेक्टर एसपी की नियुक्ति बिना पैसों के हो रही है, सरकार ये भी बताए। भोपाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, संविधान के अनुसार एक नौकरशाह है, जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई कलेक्टर जनता से नहीं मिलना चाहता है तो क्यों कलेक्टर मिलना नहीं चाहता है, यह एक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री को यह आदेश करना चाहिए कि आम जनता से कलेक्टर मिले। सब जानते हैं कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग कैसे हो रही है। कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, संविधान के अनुसार एक नौकरशाह है, जनता के प्रति उसकी जवाबदारी है। अगर कोई कलेक्टर अगर आम जनता से नहीं मिलना चाहता, अगर वहाँ के लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं मिलना, तो क्यों नहीं मिलना चाहे कलेक्टर, ये जवाबदारी है। उल्टा मुख्यमंत्री जी को आदेश करना चाहिए कि आम जनता से कलेक्टर मिले। रही बात कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग कैसे हो रही है, सबको पता है। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जनता पक्ष और विपक्ष चुनती है, हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। लोकतंत्र के तकाजे को रस्सी और बल में बताएंगे, ये शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री जी को। एक मुख्यमंत्री की भाषा लोकतंत्र में सम्मान की होती है। हमने सवाल किया कि आपने 9 महीने में वचन पत्र की कितने वादे निभाए, अगर जनता का यह सवाल विपक्ष नहीं करे तो कौन करेगा। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को कर्ज, क्राइम और करप्शन का प्रदेश बना दिया है। जनता चुनती है पक्ष और विपक्ष, हमें जिम्मेवारी दी विपक्ष की है। अब लोकतंत्र के इस तकाजे को रस्सी और बल में बताएंगे, ये शोभा नहीं देता है मुख्यमंत्री जी को। एक मुख्यमंत्री की भाषा लोकतंत्र में विपक्ष के सम्मान की होती है। हमने सवाल किया है कि 9 महीने में आपने वचन पत्र का कितना वादा निभाया, एक भी नहीं। तो फिर अगर जनता का ये सवाल विपक्ष नहीं करे तो कौन करे। आखिर आपने कर्ज, क्राइम और करप्शन का प्रदेश बना दिया, चेहरा बना दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।